जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव साखनी में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि 20 अगस्त की दोपहर ये व्यक्ति अपने गांव से साइकिल लेकर निकला था और घर वापस नहीं लौटा। 21 की सुबह इसका शव खून से लथपथ आहोर रोड स्थित कोतवाली क्षेत्र गांव जलीलपुर के पास सड़क किनारे पड़ा मिला। सूचना मिलने पर सीओ अतुल व कोतवाली प्रभारी नरेश शर्मा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज अपनी आगामी जांच शुरू कर दी। जिनकी उम्र 75 साल है, साखनी के रहने वाले, इनका शव आज जो है यहाँ पे जहांगीराबाद से और आहार रोड के बीच में जो है मिला है और इनके सिर पे चोट के निशान हैं और अभी हमें कोई तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमार्टम पंचनामा कराया जा रहा है, आगे की वैधानिक कार्रवाई करते हुए जाँच करते हुए जो भी आएगा सामने अवश्य कार्रवाई की जाएगी। मिली है, क्या मामला है तुम्हारे गाँव की? मामला ये है, ये डेली है आगे बैठते हैं मड़ियों पे और यहाँ से मगरिब के टाइम जाते हैं और घर अपना नमाज पढ़ी और सो जाते हैं, लेकिन कल शाम से ये घर ही नहीं पहुँचे तो इनकी ढूंढाई बची। अब सुबह पता लगे कि डेड बॉडी यहाँ पड़ी सड़क के किनारे। क्या लगता है आपको, मर्डर है? सीधा सीधा लगता क्या है, मर्डर है सीधा। दुश्मनी किसी से? दुश्मनी किसी से नहीं है इनकी। कहाँ चोट लगी है, कैसे मारा ने? चोट सर में लग रही है और कान के बराबर में जो घाव वो बहुत गहरा है, सही है। और जो सर पे है सीधी साइड में वो भी घाव बहुत गहरा है। कहाँ से मारा लगता है? ये जैसे कोई रॉड हो या सरिया हो उसकी चोट है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकील अब्बास है। निवासी? सांखनी। मृतक के क्या संबंध है आपका? मृतक से हमारे बहुत करीबी संबंध और रिश्तेदारी भी है। क्या नाम मृतक का? मृतक का नाम है जवाहरत अली। हाजी जवाहरत अली पुत्र हुसैन बख्श की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर सबको आहर रोड स्थित जलीलपुर गांव के निकट सड़क किनारे फेंका। सूचना पर पहुंची पुलिस व सीओ व फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। कैमरामैन सोनू सेबी के साथ सुल्तान अंसारी, सीएमएन न्यूज, जहांगीराबाद, बुलंदशहर। बुलंदशहर में पुलिस द्वारा बदमाशों के ताबड़तोड़ एनकाउंटर का डर बदमाशों में साफ साफ देखा जा सकता है। एक बार फिर पुलिस के इसी खौफ के चलते 25,000 का इनामी बदमाश गले में पट्टी लटकाकर खुद को सरेंडर करने खुर्जा नगर कोतवाली पहुंचा। गले में तख्ती लटकाया ये 25,000 का इनामी बदमाश निजाम है, जिस पर संगीन वारदातों के आधा दर्जन मुकदमे कायम है। पुलिस को इस बदमाश की सरगर्मी से तलाश थी। जनपद बुलंदशहर के एसएसपी ने इस पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। आज ये बदमाश पुलिस के खौफ के चलते खुद को सरेंडर करने खुद ही कोतवाली पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के जनपद शाजापुर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक औरत ने अपने ही पति और 3 बच्चों को प्रेमी संग मिलकर जहरीला पदार्थ मिलाकर मारने का प्रयास किया और प्रेमी के साथ फरार हो गई। आपको बता दें कि ये घटना शाहजहांपुर के तहसील तिलहर नगर की है। फिलहाल जहर के शिकार हुए पति और 3 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीओ मंगल सिंह रावत ने बच्चों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। तिलहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुबह 9 बजे 3 बच्चे और उनके पिता को लाया गया था, जिसमें 3 बच्चों को उनकी माँ के द्वारा जहर दिया गया। रात में, रात्रि का टाइम कुछ पता नहीं है, सुबह 9 बजे हमारे अस्पताल में 3 बच्चे जहर के साथ आए थे। उनके क्या नाम है, प्राथमिक उपचार कर दिए गए हैं। बच्चे की उम्र 4 साल 5 साल और 7 साल का बच्चा था। पिता को भी जहर दिया गया है जो कि पिता द्वारा बताया गया, लेकिन ऐसा कुछ तत्व पाया नहीं गया है पिता में। बाकी 3 बच्चों को रायल्स ट्यूब से उनका गैस्ट्रिक लवाज करा के आइसोलेट भी देके जिला अस्पताल भेज दिया गया है। ये प्रातःकाल थाने में इंस्पेक्टर साहब द्वारा सूचना दी गई कि नई बस्ती में एक महिला ने अपने 3 बच्चे हैं उसके, तो 12 साल 6 साल बच्चा था, 3 बच्चों को चाय में कुछ नशीला खिला के और बताते हैं अपने किसी जानने वाले के साथ चली गई है। और सुबह जब वो बच्चे उल्टी वगैरह करने को तो पता लगा, उसके बाद उनको तुरंत अस्पताल लाया गया और यहाँ पे प्राथमिक उपचार के बाद उनको, हालांकि खतरे से बाहर है फिर भी उनको आगे जिला अस्पताल के लिए रवाना कर दिया है। स्थिति सामान्य है,
सर इसमें कोई मुकदमा पंजीकृत हुआ अभी तक? अभी तो जो उसके गार्जियन हैं, जो पिताजी हैं, वो साथ में गए हैं और वो आके जो भी तहरीर देंगे उसके अनुसार मुकदमा लिखा जाएगा। एक बार फिर पुलिस ने अपनी सूझबूझ से एक आदमी की जान बचा ली। मामला हरदोई के राधानगर पुलिस चौकी का है, जहां मसीहा बनकर आए एक पुलिसकर्मी की वजह से एक शख्स की जान बच गई। थाना कोतवाली शहर की राधानगर चौकी पर तैनात आरक्षी सतेंद्र यादव के पास अचानक एक कॉल आया, जिसे रिसीव करने पर एक महिला की रोती हुई आवाज सुनाई दी। फोन पर आवाज आई, सर आप जल्दी घर आए, मेरे पति ने कमरे में बंद कर फांसी लगा ली है। ये सुनते ही आरक्षी सत्येंद्र यादव ने अपने साथी आरक्षी कुलदीप कुमार को तुरंत अपने साथ लेकर उस महिला के गांव में बिना देरी किए हो पहुंचे और उसके पति की जान बचा ली। जी सर, क्या मामला था और क्या किस तरीके से? आज थाना कोतवाली सिटी से एक डिस्ट्रेस कॉल लेडी ने वहां संबंधित जो लोकल पुलिस अफसर को किया, तो उसका पति अंदर कमरे में दरवाज़ा बंद करके उनका कुछ आपस में झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से दरवाज़ा बंद करके उसने आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। मौके पर पुलिस हमारे दो कांस्टेबल कांस्टेबल सुरेंद्र और कांस्टेबल कुलदीप तत्काल मौके पर पहुंचे। उन्होंने वहां दरवाज़ा बंद पाया, उन्होंने मौके की नज़ाकत को देखते हुए दरवाजे को तोड़ा और जैसे ही वो अंदर पहुंचे उन्होंने देखा कि वो आदमी शिव कुमार अंदर से लटका हुआ था और उसके हाथ पर बिल्कुल ठंडे हो चुके थे। उन्होंने तत्काल उसका परिचय देते हुए उसको उसके फंदे से निकाला और उसकी सांस जो बंद हो गई थी उसके चेस्ट को प्रेस करके उसको रेसुसिएट करने की कोशिश की और उसको जैसे ही थोड़ी सी उसके अंदर गर्मी है तो इसी बीच में एम्बुलेंस बुलवा करके उसको अस्पताल भेज दिया। अस्पताल ने उसको थोड़ा प्राइमरी मेडिकेशन करके उसको तत्काल टोटली रेफर कर दिया। अभी मेरी उनकी पत्नी से बात हुई, उन्होंने बताया है कि वो स्टेबल है, बिल्कुल ठीक है और बातचीत कर रहा है, उसकी जान वापस चली जाएगी। पुलिस के इस प्रॉम्प्ट एक्शन से सिर्फ एक व्यक्ति की जान नहीं बची है बल्कि पूरे परिवार की बचत हुई है, पूरा परिवार सेव हुआ है और इनके इस साहसिक और प्रॉम्प्ट एक्शन के लिए मेरी तरफ से इनको प्रस्तुत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान योगी सरकार की नीति और नियमितता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता संभल जिले का स्वास्थ्य केंद्र। केंद्र सरकार और राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर पानी की तरह पैसा बहा रही है ताकि गरीबों को समय पर अच्छा इलाज मुहैया हो सके, लेकिन संभल जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बहुत ही बदहाल स्थिति में है। ऐसे ही एक नजारा तहसील गुन्नौर के गांव मौलनपुर हरि बाबा धाम के अस्पताल का देखने को मिला। यहाँ अस्पताल में ताला जड़ा हुआ मिला। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ इलाज के लिए दर दर ठोकरें खानी पड़ती हैं और झोला छाप डॉक्टरों से अपना इलाज कराना पड़ता है।